हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल रिएक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज मैं जिस सॉन्ग रिएक्शन देने जा रही हूँ, सॉन्ग का नाम है डॉलर, सिद्धू मूसेवाला एंड बिग बर्ड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन बिलो हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो। एंड ऑल्सो कमेंट ऑन बिलो मैं किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ, मैं जरूर उन वीडियोज पर रिएक्शन दूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। साढ़े वांगू साडिया नहीं ब्लैकलिस्टड कारा ने, असी अंडरग्राउंड बंदे उपर तक मारा ने, असी अज दे राजे हां, साडा पता नहीं कल दा। डालरां वांगू नहीं नाम साडा चलदा, आओ डालरां वांगू नहीं नाम साडा चलदा। मंगते नी खोदे असी पुत डाकुआ दे, पग कतीड़ा दा शहरा ना नहीं रलता। जन्ना ने साडे घर ता छोटे ने, कोले महंगिया गन्ना ने, ताही ता महिला ताई है खौफ साडा पलदा। डालरां वांगू नहीं नाम साडा चलदा, आओ डालरां वांगू नहीं नाम साडा चलदा। ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾ, ਓ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਓ ਓ ਓ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾ, ਓ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੌਂਗ ਥਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਲਾਈਫ ਪੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿੰਟੂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਪੇ ਬੇਸਡ ਥਾ ਸੌਂਗ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ हु इज़ मिंटू एंड क्या चल रहा है उन्होंने, एंड डाकुओं का मुंडा, मतलब डाकुओं का मुंडा, मतलब डाकू का, मतलब जो डाकू है उसका मुंडा, उसका लड़का, कुछ इस टाइप का। सो जो सॉन्ग था बहुत अच्छा था, एंड जो लाइन सबसे ज़्यादा जो हाइप वाली जो लाइन थी वो ये थी कि डॉलर वाल तनी डॉलर वालू नहीं नाम सदा चलदा। इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इसमें। आई थिंक ये डाकू और द मुंडा, आई थिंक कुछ होगा इसके अंदर, बट मुझे नहीं पता। एंड किसके ऊपर बात करी जा रही है, एंड जो सॉन्ग है उसके अंदर डाकू कौन बना है कौन नहीं बना है वो भी नहीं मुझे पता। द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। सिद्धू मूसेवाला इज जस्ट अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। एंड द स्वैग जो है इनके अंदर उसको मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा से, मतलब मेरी आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी उसके अंदर मैंने यही बोला है कि जो इनका स्वैग है वो हमेशा से ऐसा रहा है, मतलब सुपर से ऊपर रहा है। तो बिग बर्ड का जो मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, मतलब एक चीज़ क्या, मुझे जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है, जो इनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि मोस्टली उनके सॉन्ग में होता है कि एक बारी होर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक के हाथों में वो थी यू नो पिस्टल फायरिंग कर रहे थे वो, मतलब तो समझ में आ रहा था कि डाकू ऑन द मुंडा, मतलब ये कुछ डाकुओं के ऊपर ही ये बेस्ड है स्टोरी है। सो जिस तरह से मुझे सॉन्ग पसंद आया है, अगर उस तरह से आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो यार, कर दिया करो लाइक यार, हमेशा मुझे ऐसे बेशर्मी की तरह बोलना पड़ता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन बिलो कैसी लगी है।
बता दो कि और किस सॉन्ग पर रिएक्शन देना, मैं जरूर दे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मुझे किस सॉन्ग पर रिएक्शन देना, ताकि मैं उस सॉन्ग पर रिएक्शन दे सकूँ। बिकॉज अपने आप से मैं रिएक्शन दूंगी तो वो थोड़ा सा यू नो वो बात नहीं आ पाएगी, तो मुझे आप बताएं कि मुझे किस सॉन्ग पर रिएक्शन देना है, मैं जरूर उन सॉन्ग पर रिएक्शन दूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे होम, स्टे से बाहर मत निकले बिकॉज कोरोना वायरस। एंड लिसन वन मोर थिंग, कमेंट कॉल निकलने कर देना, तो मेरे यहाँ से चलो ठीक है, बाय, लव यू ऑल।